नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर। बिहार सरकार द्वारा पटना हाईकोर्ट में दायर की गई पुनर्विचार याचिका, जिसमें जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक को चुनौती को जो है की बात कही गई थी, उस याचिका में कहा गया था कि 3 जुलाई के पहले ही जो है हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे। तो इस पर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है और हाईकोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को तगड़ा झटका लगा है। और अब ये साफ हो गया है कि इस पूरे मामले की सुनवाई जो है सिर्फ और सिर्फ 3 जुलाई को ही होगी। राज्य सरकार ने इसको लेकर के पिटीशन दायर किया था पटना हाईकोर्ट में उस फैसले के खिलाफ, जिसमें जो है जाति आधारित गणना पर जो है तत्काल रोक लगा दी गई थी, तमाम आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया था। ये कहा गया था कि इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है 3 जुलाई को होगी। तो राज्य सरकार जो है 3 जुलाई से पहले इस पूरे मसले की सुनवाई चाहती थी, ताकि सुनवाई के बाद आए फैसले के बाद जो है इसको फिर से जो है शुरू किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जो है पटना हाईकोर्ट में जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है, पहले क्या फैसला आया है हाईकोर्ट के अंदर से जो सुनवाई हुई थी जातीय जनगणना को लेकर, उस पर क्या फैसला आया है? पटना हाईकोर्ट ने जो आवेदन बिहार सरकार का दिया गया था कि आगे सुनवाई की जाए 3 जुलाई 2023 से तिथि को पूर्व निर्धारित कर दी जाए, आगे डेट फिक्स किया जाए, उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये कहते हुए कि हमने कोई मेरिट पर डिसाइड नहीं किया है और उन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार हम 3 दिन में सुनाई करके अंतरिम ऑर्डर पारित किए हैं और उसमें सरकार को कहने का पूरा मौका मिला था। हेलो चेक। 3 जुलाई को ही यानी अगली 3 जुलाई को ही होगी। सरकार की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसे आज कोर्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। सरकार ने यह भी कहा कि अगर हमको मौका दिया जाए, हमको कास्ट सर्वे करने दिया जाए, हम डाटा लीक नहीं करेंगे। इस प्रार्थना को भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया कि इसका मतलब होगा कि हम हाईकोर्ट का पहले का आदेश को रिव्यू कर रहे हैं। बता दें आपको कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर 3 जुलाई 2023 के पूर्व ही कोर्ट द्वारा सुनवाई करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई की तिथि 3 जुलाई 2030 ही रखा। पूर्व में हाईकोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई की तिथि 3 जुलाई 2023 ही रखा था। गौरतलब हो कि पहले 4 मई 2023 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार इस दौरान इकट्ठी की गई आंकड़ों को शेयर व उपयोग फिलहाल नहीं करेगी। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका में ही कहा गया था कि क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के पास जातीय जो गणना कराने का वैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए इन याचिकाओं पर 3 जुलाई 2023 को सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है। कार्यपालिका के पास जातीय जो गणना है कराने का क्षेत्राधिकार नहीं है, इसे कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना से जनता की निजता का उल्लंघन होता है, इस संबंध में विधायिका द्वारा कोई कानून भी नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने अपने 4 मई 2023 के अंतरिम आदेश में जो निर्णय दिया है उसमें सभी मुद्दों पर अंतरिम निर्णय दिया गया। कोर्ट ने इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर अंतिम रूप से निर्णय दे दिया है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि इन जनहित याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर कोर्ट ने अपना निर्णय अंतिम रूप से दे दिया है, इस कारण इन याचिकाओं की सुनवाई 3 जुलाई 2023 के पूर्व ही करके इसका निष्पादन कर दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार की इन याचिकाओं को रद्द करते हुए सुनवाई की तिथि 3 जुलाई को ही निश्चित किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार, रितिका रानी, अभिनव श्रीवास्तव और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पी के शाही ने पक्षों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। तो राज्य सरकार को आज लगा है बड़ा झटका, कोर्ट में पुनर्विचार याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया पटना हाई कोर्ट ने, और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 3 जुलाई तक होगी। और बिहार में इस बीच में जाति के आधार पर जो गणना होनी है उस पर सियासत भी खूब होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।